साथियों, हम सभी जानते हैं कि प्राणायाम हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। प्राणायाम में हम प्राणों का आयाम करते हैं, यानी हम श्वास को गहरे खींचते हैं, होल्ड करते हैं, उसके बाद धीरे 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 अपने श्वास को बाहर निकालते हैं। श्वास लेने की प्रक्रिया में जो कंट्रोलर है वो है किडनी, और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया का जो कंट्रोलर है वो है लंग्स। एक्चुअली जो लंग्स है वो ऊर्जा को लेता है और नीचे किडनी तक भेजता है, किडनी की नीचे की ऊर्जा को ऊपर लंग्स की तरफ भेजती है। इस प्रकार से ये एक साइकिल पूरा होता है। प्रस्तुत वीडियो में चर्चा होगी कि किस प्रकार से आप जो प्राणायाम का फ़ायदा है, क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो चाहकर भी प्राणायाम नहीं कर पाते हैं, लेट उठ पा रहे हैं कि उनको ऑफिस जल्दी जाना है, जो भी वजह हो, लेकिन आज की वीडियो में चर्चा होगी किस प्रकार से आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के जरिए जो लाभ आपको प्राणायाम से मिलता है, वही लाभ आपको जब इन पॉइंट्स को आप स्टिमुलेट करेंगे उससे मिलेगा। आइए बढ़ते हैं उन पॉइंट्स की तरफ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय, संभव नेचर केयर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, श्वास लेने का जो कंट्रोलर है ना वो है किडनी, और श्वास छोड़ने का जो कंट्रोलर है वो है लंग्स। यानी कोई भी दिक्कत कि व्यक्ति श्वास ठीक से ले नहीं पा रहा है तो सारा का सारा ध्यान हमारा किडनीज पे जाना चाहिए, क्योंकि वो इसके कंट्रोलर हैं। वहीं कोई व्यक्ति श्वास ले तो पा रहा है लेकिन श्वास छोड़ने में तकलीफ है, तब जो ट्रीटमेंट होगा वो लंग्स का होगा, क्योंकि श्वास छोड़ने का जो कंट्रोलर है वो लंग्स है। इस प्रकार से साथियों, यदि ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं, एकेडमी की चीज़ें हैं, आप भी यदि विस्तार से जानना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को कि कौन किसका कंट्रोलर है, किस प्रकार से एक्यूप्रेशर काम करता है, क्या डायग्नोसिस है, किस प्रकार से आप कोई भी बीमारी को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और फिर कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जैसे घर बैठे चिकित्सा, ऐसे घर बैठे चिकित्सक, जो हमारा ये मिशन है कि हम आपको घर बैठे चिकित्सक भी बना दें। तो निगाह डालिए, देखिए बहुत सारे कोर्सेज हैं जो डिज़ाइन ही किए हैं हमने कि हम घर बैठे आपको ये सारी चीज़ें सिखा सकें, और बड़े मज़े की बात, कोई भी इन सारी चीज़ों को सीख सकता है। आपका भी मन है इन चीज़ों को सीखने का कि एक्यूप्रेशर कैसे काम करता है, कैसे आप अपने को ठीक कर सकते हैं, कैसे आप और लोगों की भी मदद कर सकते हैं इनको सीखकर, तो आप जिस भी कोर्स में आपका इंटरेस्ट हो आप डायरेक्टली एनरोल हो सकते हैं। जो डायग्नोसिस वाला कोर्स है वो है लास्ट हमारा, मास्टर्स इन नेचुरल मेडिसिन। यदि आप पहले से बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और अब डायग्नोसिस का थोड़ा सा आपको लगता है कि मुझे डायग्नोसिस पता हो, तो आप डायरेक्टली आप उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। साथियों, जब भी कोई प्राणायाम करता है तो उसकी गैदरिंग की बढ़ोतरी होती है। यानी क्या है गैदरिंग की, इसे ऐसे समझते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन हमें पोषण और ऊर्जा का स्रोत है, बिल्कुल वैसे ही जो गैदरिंग की है वो पूरे शरीर में ऊर्जा का समुद्र है। ये क्या करती है, जैसे श्वास के द्वारा व्यक्ति ने ऑक्सीजन ली, उस ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाकर पूरे शरीर में सेल्स तक पहुंचाने का काम इसका है, और इतना ही नहीं ऑक्सीजन के साथ साथ पोषण भी पहुंचाने का काम गैदरिंग की करती है। इसीलिए जो लोग प्राणायाम करते हैं उनकी गैदरिंग की में परिष्कृत हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, और व्यक्ति को ऑक्सीजन मिल रही है, पोषक पदार्थ मिल रहे हैं, तो वो सेल्स जो हैं वो स्वस्थ होना शुरू कर देती हैं। अब उन लोगों की मजबूरी कि जो लोग प्राणायाम नहीं कर पाते, तो इन पॉइंट्स को जब लगाएंगे, क्योंकि श्वास लेना और श्वास छोड़ना जो बताया, कुछ पॉइंट्स किडनी के हैं, कुछ पॉइंट्स लंग्स के हैं, क्योंकि दोनों ही कंट्रोलर हैं, श्वास लेने का कंट्रोलर किडनी, श्वास छोड़ने का कंट्रोलर लंग्स। तो जब आप दोनों के पॉइंट्स को लगाएंगे तो
जो गैदरिंग की है, जो कमी आ गई थी गैदरिंग की में, उसमें जब भरपाई उसकी हो जाएगी, यानी कि उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी, परिष्कृत हो जाएगी वो गैदरिंग की, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए देखते हैं वो पॉइंट्स। पॉइंट्स हैं हमारे हाथों में। पहले बात करते हैं, किसी को श्वास लेने में तकलीफ हो तो कि किडनी कंट्रोलर थी तो किडनी के पॉइंट्स होंगे। आएंगे मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर में देखिए अपर जॉइंट, एक तो जॉइंट से स्लाइटली नीचे ही है टुवर्ड्स स्मॉल फिंगर, ये पॉइंट है। एक साथियों ना तो मिड लाइन पे है ना किनारे है, मिड लाइन और किनारे के बिल्कुल सेंटर में ही समझ लीजिए, अपर जॉइंट से स्लाइटली ऊपर की तरफ। इस पॉइंट का नाम है K6, लोकेशन समझ लीजिए K6 और K7। ये वो लोग जिनको श्वास लेने में तकलीफ है। दूसरा, जो प्राणायाम तो करना ही चाहते हैं तो लगा कर रखिए इस पॉइंट्स को, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। दूसरा, श्वास छोड़ने में किसी को तकलीफ है, क्योंकि प्राणायाम में श्वास लेना थोड़ी ना है, श्वास छोड़ना भी है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकालनी है ना। इसके लिए देखिए इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर में जो अपर जॉइंट, एक तो जॉइंट के ऊपर ही है, इस पॉइंट का नाम है LU9। एक स्लाइटली नीचे टुवर्ड्स थंब, इस पॉइंट का नाम है LU7। एक और पॉइंट मिडिल जॉइंट, और जो हमारा लोअर जॉइंट है इसी के बिल्कुल बीचों बीच, इस पॉइंट का नाम है LU3। तीनों ही पॉइंट्स लंग के हैं, Lungs 3, Lungs 7 और Lungs 9। एक और पॉइंट जो कि श्वास लेने और श्वास छोड़ने में मदद करता है, ये पॉइंट है CV17। अब इसको लोकेशन देखिए, ये एक्चुअली बिल्कुल बीच में पड़ेगा। यदि आप इस तरीके से यहाँ और यहाँ एक लाइन खींचते हैं तो बिल्कुल सेंटर में ये पॉइंट है CV17। ये क्या करेगा, श्वास लेने और श्वास छोड़ने में मदद करता है, उसका हेल्प करता है। अब यहाँ ट्रीटमेंट के लिए हमें ज़रूरत होगी टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट की और पेपर टेप की। देखिए साथी, जो टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट से बहुत छोटे छोटे से होते हैं, एक तरफ से वाइट कलर के, दूसरी तरफ से येलो कलर के होते हैं। आपको पेपर टेप में टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट को इस प्रकार से लगाना है कि जो स्किन में टच करेगा वो इसका येलो कलर, और लगने के बाद जो बाहर से हमें दिखाई देगा वो वाइट। तो जितने भी अभी पॉइंट्स बताए उन सारे के सारे पॉइंट्स पर जब आप इस तरीके से एक एक टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट को लगा देंगे तो जो असर प्राणायाम का है, प्राणायाम आप कितनी देर कर सकते हैं, आधा घंटा कर लेंगे, एक है 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं। आप जरा इन पॉइंट्स को लगा कर रात भर सो जाइए, आपका सोते सोते है ना असर वही गैदरिंग की। कहने का मतलब ये है कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना जो हम प्राणायाम करते हैं, गैदरिंग की का निर्माण होता है, जो है ऊर्जा का समुद्र। तो आपने क्या किया, ऊर्जा के समुद्र से आप ऊर्जा का समुद्र, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। आप गैदरिंग की ऐसे, क्योंकि लंग्स की आप क्योंकि बहुत डिटेल में है तो आप कन्फ्यूज़ नहीं करूँगी, बस आप इतना लगा लीजिए कि श्वास लेने में श्वास छोड़ने में कोई भी तकलीफ, ऑक्सीजन की शरीर में कमी हो रही है क्योंकि प्राणायाम से तो हमें ऑक्सीजन मिल रही थी, सेल लेवल तक जाके ऑक्सीजन पहुंच रही थी, बिल्कुल ऐसे ही जब सेल लेवल पर आपकी ऑक्सीजन पहुंचेगी, पोषण पहुंचेगा, जो सेल्स बीमार हो रही थी वो फिर से एनर्जाइज हो जाएंगी और आपका पूरा का पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाएगा। तो साथियों, आपको भी आवश्यकता है इन टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट और पेपर टेप की, तो निगाह डालिए, एक वेबसाइट की लिंक है, यहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल हैं, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। कोर्सेज को भी ज्वाइन करना है तो देखिए उसी वेबसाइट पर जाइएगा, कोर्सेज में जाइएगा, जिस भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहें डायरेक्टली आप एनरोल कर सकते हैं। साथियों, यदि आप भी ग्रसित हैं किसी परेशानी से और उससे उपचार चाहते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी से, तो आप नीचे मुझे कॉमेंट्स में लिख सकते हैं, आपके टॉपिक पर भी वीडियो बन जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।